फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोटीन से भरपूर बहुत ही ज्यादा हेल्दी नाश्ता, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बूढ़ों तक सभी को पसंद आएगा और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये बिना तामझाम के बन जाता है। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। क्योंकि घर में देसी चने बच ही जाते हैं, इसे खाने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, लेकिन इस नाश्ते में वो गेस ही नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे चने से बनाया है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम बताते हैं कि हमने क्या लिया। मैंने 250 ग्राम चना लिया है जो देसी वाला है। आप भी देसी वाला भी ले सकते हैं जो बड़ा वाला होता है, और आप इसे छोले से भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी जरूरत है जैसा आप बनाना चाहे। तो ये चना मैंने अच्छे से भिगो कर रखा था और इसे भिगो कर मैंने 4 से 5 घंटे रखा है और इसे मैंने 2-3 पानी वॉश कर लिया है। तो इस तरह से हमारा चना हो गया है रेडी फूल कर। और इसी के साथ मैं एक अमेजिंग सी चटनी भी आपके साथ शेयर करूंगी। चटनी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए चलते हैं गैस की तरफ और बनाते हैं सुपर टेस्टी नाश्ता। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ और हमने एक पैन रखा है और इस पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल से ही बनाएंगे तभी ये हेल्दी बनेगा। नो रिफाइंड, नो घी वगैरह कुछ भी नहीं, सरसों का शुद्ध देसी तेल चाहिए इस देसी चने को बनाने के लिए, यानी नाश्ते को बनाने के लिए। तो इस तरह से तेल को हम हो जाने देंगे गरम। और इसका बिल्कुल नया नाश्ता शेयर कर रहे हैं तो प्लीज शेयर जरूर कर देना सबके साथ। तेल जो हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 गार्लिक जो हमने इस तरह से कर लिया है कट। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक जो हमने इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और इसके डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो जीरा हमें ज़रा डालना है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। तो 1 छोटा चम्मच जीरा और अच्छे से तड़कने देंगे। गैस का जो फ्लेम होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। तो 1/2 चम्मच हींग जाएगी। और अब आपको पीछे हट जाना है, यानी गैस से थोड़ा पीछे हट जाना है। और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते जो हमारे 10 से 12 है। और इसको डालते समय आपको थोड़ा पीछे हटने की जरूरत है क्योंकि ये उछलते बहुत है। और इसको डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमने 2 कप पानी ऐड किया है। और अब इसको अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे। तो फ्रेंड देखिए पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी जो 1/2 छोटा चम्मच जाएगी। तो फ्रेंड ये गई हमारी हल्दी। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच चाट मसाला जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये गया 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमें ज्यादा नहीं डालना है, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे। तो फ्रेंड अब इसमें हम एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमने लिया है तो 2 गार्लिक और धनिया मिर्च जिसको हमने इस तरह से सूखा सूखा पीस लिया है, ये हम डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 100 पीस के अंदर में पीसी है। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड जब तक इसके अंदर बॉईल आता है हम चलिए फटाफट चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इसे हम धीमे धीमे 1/2 पानी होने तक पकाएंगे। तो चलिए तब तक हम चटनी की रेसिपी शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ और हमने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल से ही बनाना है। और जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब तक को आपको वेट करना है। तो देखिए तेल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है सरसों के तेल को। तो हम इसमें डालेंगे लहसुन की 3 कलियां। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक जो हमने इस तरह से बड़ी बड़ी चॉप कर ली है, 1.5 इंच की अदरक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मूंगफली जो हमारी 2 बड़ा चम्मच है और ये कच्ची मूंगफली है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली जो हमने इस तरह से बीज से कट करके ली है और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसके बाद हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सौंफ डाल के अच्छे से मिला लेंगे और इन्हें अब हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। तो फ्रेंड इस तरह से जब ये हल्का सा सॉटे हो गया है तो हमें इसमें डालना है गरम मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, तो 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाला है तो इसलिए रेड चिली ज्यादा नहीं डालना है। और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें टमाटर जो हमारे 2 मीडियम साइज के टमाटर है जो वेट है 50 ग्राम है। और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर को हमें अच्छे से सॉटे करना है। अब इसमें हम इस टाइम डालेंगे नमक ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो चलिए नमक डाल लेते हैं। तो इस तरह से 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और अब हम टमाटर को अच्छे से पका लेंगे।
तो सारी चीजों को हमें अच्छे से पकाना है और टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इस तरह से हम टमाटर को गलने देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे जो टमाटर थे सॉफ्ट हो गए हैं, और जब इस स्टेज तक सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ड्राई आमचूर पाउडर, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही चटपटा होने के साथ साथ थोड़ा सा खट्टा भी होगा, तो मजा आ जाएगा खाकर। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी, बिल्कुल 2 चुटकी मेथी, कसूरी वाली। और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से टमाटर हमारे देखिए हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि हमें इसका इस तरह से सॉटे करना था। तो ये हो चुका है रेडी। अब हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये कूल हो जाएगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और फिर इसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है देखिए इस तरह से। अब इसे हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं और इस तरह से मिक्सी जार में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर हम पैन को साफ कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी वेस्ट करना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर और अब इसे हम अच्छे से स्मूथ से चटनी फॉर्म में बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, देखिए कितना अच्छे से पीस गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और हम तेल लेंगे 1 चम्मच सरसों का और पैन में डालेंगे और इसे अच्छे से हीट हो जाने देंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है हल्का सा। तो हम इसमें डालेंगे कड़ी लीव्स यानी कड़ी के पत्ते, और डालने के बाद थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हींग 1/4 चम्मच और 1 चम्मच राई। तो राई जो होती है वो पतली वाली होती है, महीन महीन होती है, और सरसों के दाने मोटे होते हैं। तो आपको राई डालने, सरसों के दाने नहीं डालने। और सारी चीज़ों को हम तड़कने देंगे, और जब ये तड़कने लगेगी तो हम इस तड़के को अपनी चटनी में ट्रांसफर करेंगे, या रसम चटनी जो भी आप इसे नाम दे दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब इस तड़के को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। और तड़का डालने के बाद देखिए जो इसका कलर है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से ये रेडी हो चुका है, देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। अब चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड चटनी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं पानी को देख लेते हैं जो हमने तड़का लगाया था। तो फ्रेंड देखिए तड़का पक पक के आधा हो चुका है, और इस तरह से जो हमने 2 कप पानी रखा था वो जब 1 कप बचे तो समझ जाइए आपका तड़का अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चीजें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश हरा धनिया जो हमने कट करके रखा है, उसको डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला आपको लास्ट में डालना है। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। तो इस तरह से हमारा गरम मसाला गया। और थोड़ी सी हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे लमसम 2 चुटकी। और इस तरह से तड़का रेडी हो चुका है। अब हम चने की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड जो चने हमने भिगो के रखे थे उसको हम पानी को रिमूव करके इस तरह से मिक्सी जार में डाल लेंगे, जितने हमारे आ पाएंगे। और आधे का हम बाद में बनाएंगे, आधे का नाश्ता हम अभी बनाएंगे, क्योंकि चने ज़्यादा है। ये लमसम 250 ग्राम चने हैं। और इस तरह से मैंने एक छोटी वाली मिक्सी यानी कम से कम 100 ग्राम ले लिया है। और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे अदरक जो 1 इंच की है, और 2 बेबी हरी मिर्च जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ, ये जरूर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको डालने के बाद अब हम कवर कर देंगे और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं, पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारे चने अच्छे से फूले हुए हैं। और अब हम इसे पीस लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से देख लीजिए मैंने इसे पीस लिया है, कितना अच्छे से पीसना है। अगर आपको ना पीसते मतलब दिक्कत हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 चम्मच ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा इसको पतला मत कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल थिक थिक सा हो गया है। और इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है, चलते हैं गैस की तरफ जो हमारा तड़का अच्छे से। तो फ्रेंड तड़का हमारा जो रेडी था वो आधा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे सारा का सारा, देखिए इस तरह से जितना हमारा था। और ये 100 ग्राम लगभग हमने लिया है और 150 ग्राम मैंने रख दिया है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ तड़के के, और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे अच्छे से पकाना है। और अभी ये भी अपना पानी छोड़ देगा तो ये अच्छे से टिकी सा होने लगेगा। तो थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी पोंछ के इसके अंदर डाल देंगे।
तो कम से कम 3 से 4 चम्मच पानी देना है और इसे हमें मिक्सी को क्लीन कर लेना है इस तरह से, और इस तरह से डाल लेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसकी हम भुनाई करेंगे। तो चलिए हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करते हैं जब तक कि ये हल्का सा थिकी ना हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो इस तरह से जब ये थोड़ा सा थिकी होने लगेगा तो 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे, फिर इसके बाद हम इसमें एक चीज ऐड करेंगे। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हमारा ये मिश्रण रेडी हो चुका है और आधा ये पक गया है। तो देखिए इस तरह से जब पकने लगता है तो थिकी थिकी सा होने लगता है। तो अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी डाल सकते हैं, अगर सूजी ना हो तो आप मैदा डाल सकते हैं, और मैदा भी ना हो आपके पास तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, अरारोट का आटा डाल सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप नॉर्मली गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने से बस ये होगा इसमें बाइंडिंग होगी और सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से देखिए ये एक आटे के फॉर्म में आना चाहिए, इस तरह से थिक होना चाहिए। तो चना हमारा अच्छे से पक गया है क्योंकि फूला हुआ था, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए अच्छे से ये हो चुका है और अब हम गैस पे फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे ताकि हम इसे छू पाएं, और फिर इसके बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए ठंडा हो जाने देते हैं। फ्रेंड आइए इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इस तरह से ट्रांसफर कर लिया, अब इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। अगर इसी बर्तन में रहते हैं क्योंकि ये बर्तन जल रहा था तो हम इसे ट्रांसफर करके इसमें रख लिया है। अब ये फटाफट हल्का सा ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसे छू पाए। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए अब हम इसे छू पा रहे हैं। तो अपने हाथों पे हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेते हैं, आप कोई भी तेल लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं, बस बिल्कुल नाम मात्र का, और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं अपने हाथों को। और अब हम इसका अमाउंट लेंगे, इतना जितना नींबू का आकार होता है उतना बड़ा लेना है, और इसे हम इस तरह से लेंगे और इसे हम हल्का हल्का सा दबाएंगे हल्के हाथों से, और इस तरह से चिकना करेंगे और इसके हम साइडों को इस तरह से लॉक करेंगे। इसे क्या होगा कि इसमें क्रैक नहीं आएगा। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं इसे बहुत इजी वे में बना रही हूँ, फटाफट बन जाएगा, आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होगा कि आपको इसके शेप से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो देखिए इस तरह से, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है और कम ऑयल में मैं बना कर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो रेडी हो चुका है और इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे और इसी तरह हम अपनी सारी टिक्कियों को बना लेते हैं, यानी कटलेट आप जो भी बोल लीजिए। तो फ्रेंड इस तरह से मैं देखिए मैंने बना लिए हैं, और आप इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप इसे फ्राई कीजिए, सलो फ्राई कीजिए, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। मैं इसे बहुत ही कम ऑयल में बनाने वाली हूँ क्योंकि मॉर्निंग में आपको ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से हम चलते हैं गैस की तरफ बनाते हैं इसे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और मैंने एक पैन रख दिया है। पैन हमारा जो होना चाहिए वो वजनदार होना चाहिए, यानी हैवी वेट होना चाहिए, तभी अच्छा सा कलर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल लमसम 1 चम्मच बड़ा वाला जो 20 ग्राम है, और इसको अच्छे से फैला लेंगे अपने पैन में इस तरह से चारों तरफ, और इसमें हम इसे सलो फ्राई करेंगे। तो इसे धुआंदार होने तक का वेट करना है। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी तरीके से बना रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल को मत इस्तेमाल कीजिएगा। आप सरसों के ऑयल से बनाएंगे तो देसी चने का ये बहुत ही अच्छा सोना बनाएगा और लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे तब बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से धुआं निकलने लगा है, तब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से सेकेंगे। तो चलिए फटाफट इसे डाल देते हैं। अगर आपका पैन मतलब छोटा है तो आप लोग ज्यादा मत डालिएगा, अगर बड़ा है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये वाला हम डाल देते हैं और यहाँ पे हम एक और लगाएंगे, इसे साइड में कर देंगे और लास्ट वाला हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसे धीरे धीरे हमें 3 मिनट तक फ्राई होने देना है, यानी सलो फ्राई होने देना है, फिर इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके हैं, ये टर्न करके देखते हैं इसका कलर। तो देखिए दूसरे साइड से अच्छा सा कलर आ गया, एकदम सुनहरा सा, और इस तरह से हमें अब इसे टर्न कर देना है। तो बहुत ही सोनापन आता है सरसों के तेल डालने से। तो इस तरह से देखिए हम टर्न कर देंगे फटाफट, और एक का भी शेप बेकार नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए आराम से इसकी साइडों को हमने चेंज कर दिया है सारी, और आपके सामने ही चेंज किया है, और अब इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे।
तो फ्रेंड ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। तो इस तरह से देख सकते हैं इसकी साइडों को, देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। दूसरे साइड से भी डन हो गया है ये देखिए। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ, बहुत ही कम ऑयल में बनाया है, और फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड रेडी हो चुका है हमारा देसी चने का बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता, बहुत ही कम ऑयल में बनाया है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इस तरह से बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं, जब आपका मन हो आप इसे तुरंत सेक लीजिए और दोबारा खा सकते हैं, 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और ये चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और रेसिपी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन करेंगे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।